पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने शनिवार दोपहर बाद जींद डिपो में प्रदर्शन किया और इसके बाद रविवार को होने वाले रानी तालाब से शहीद स्मारक तक बड़े प्रदर्शन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। कर्मचारियों ने दावा किया कि रविवार को सभी विभागों से NPS पीड़ित कर्मचारी आंदोलन में भाग लेंगे। शनिवार दोपहर बाद पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अनूप लाठर रोडवेज कर्मचारी बस अड्डे पर एकत्रित हुए और यहां प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मीटिंग करते हुए रविवार की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अनूप लाठर ने कहा कि रविवार को जींद में NPS पीड़ित कर्मियों का हुजूम उमड़ेगा और जिला स्तरीय प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरने और प्रदर्शन किए। सरकार तक मांगों के ज्ञापन पहुंचाए गए। पंचकुला में सरकार की लाठियां झेली और आंसू गैस के गोले सहन किए। इसके बाद CM वार्ता के लिए आए, वहां पर भी समिति ने स्पष्ट कर दिया कि पुरानी पेंशन बहाली से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इसके लिए रविवार को प्रदर्शन के बाद प्रदेश भर में पेंशन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी जो नारनौल से शुरू होगी और सभी जिलों से होते हुए चंडीगढ़ में जाकर समाप्त होगी। फिर 1 अक्टूबर से पेंशन शंखनाद रैली की जाएगी। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा। अनूप लाठर ने कहा कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो 2024 के विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा, क्योंकि कर्मचारी वर्ग से लेकर किसान तक सरकार की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। इस दौरान काफी कर्मचारी मौजूद रहे। अनूप लाठर राज्य वरिष्ठ प्रधान पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा कहते हैं कि 2018 से लगातार पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश के 2,00,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग करती आ रही है। हमने हर तरह का आंदोलन, सड़क पर धरने, प्रदर्शन, रैलियां, 19 फरवरी का आपने देखा होगा पंचकुला के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हम कर चुके हैं। वहाँ पर अब भी हरियाणा सरकार और प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर लाठियाँ मांझी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें हमारे ऊपर फेंकी गई, लेकिन हम उसके बाद भी हमारे से वार्ता के लिए मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया। वार्ता में भी हमने अपने लीगल एडवाइज़र के साथ पूर्ण तथ्य रखे, लेकिन हरियाणा सरकार और उनके अधिकारियों के पास उनका कोई जवाब नहीं था। और हरियाणा सरकार ये वहाँ पर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम NPS में बदलाव कर देंगे, लेकिन पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने वहाँ भी स्पष्ट कर दिया था कि पुरानी पेंशन बहाली से नीचे पेंशन बहाली संघर्ष समिति नहीं मानने वाली है। और उसी तरह हमने अगले आंदोलन की रूपरेखा वहीं से घोषणा कर दी थी। कल 16 अप्रैल को पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के सभी जिलों के मुख्यालय पर पेंशन आक्रोश मार्च का रोष प्रदर्शन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी पहुंचकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को उनकी जो नीतियां हैं पुरानी पेंशन बहाल न करने बारे, उन नीतियों का विरोध करते हुए उनको दिखा देंगे कि हम एकजुट हो चुके हैं। और हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और जो JJP के हमारे दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनको स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दो, नहीं तो 2024 में हम आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। ये एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारा आज कल के बाद जो अगला प्रोग्राम होगा 1 जून से नारनौल से हम हमारी पेंशन संकल्प यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर होते हुए चंडीगढ़ उसका समापन किया जाएगा। और उसके बाद 1 अक्टूबर को हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के कर्मचारी दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर को पेंशन शंखनाद रैली करेंगे। उसके बाद जो 2024 का चुनाव आएगा उसके लिए हम वोट फॉर OPS अभियान चलाएंगे। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश और प्रदेश के ऊपर राज करेगा। जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।